जौनपुर जिले के एसपी अजय कुमार साहनी को वीरता के लिए राष्ट्रपति द्वारा पदक दिया गया। एसपी अजय साहनी को यह सम्मान मेरठ में एसएसपी के पद पर पोस्टिंग के दौरान कुख्यात बदमाश दिल्ली के मोस्ट वांटेड 2 लाख के इनामी शिवशक्ति नायडू को मेरठ के कंकरखेड़ा में 1.5 घंटे चली मुठभेड़ में 60 राउंड से ज़्यादा फायरिंग के बाद इनकाउंटर में मार गिराया था। मुठभेड़ में बदमाश द्वारा चलाई गई गोली एसएसपी मेरठ अजय साहनी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी। नायडू मेरठ में हुई हत्या के मुकदमे में वांछित था। शिवशक्ति नायडू जो 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम लूट चुका था। नायडू दिल्ली में कई गैंगवार में भी शामिल था। सुपारी लेकर हत्या करने में नायडू का नाम सबसे ऊपर था, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस लगी थी। नायडू 9 साल में गारमेंट व्यापारी से बन गया था दिल्ली का डॉन। नायडू सिपाही की हत्या कर सोशल मीडिया पर खुली चुनौती पुलिस को देता था। नायडू के खौफ का मेरठ में एसपी अजय साहनी ने खात्मा किया। इसी क्रम में मेरठ में अन्य 17 बदमाशों को भी ढेर किया गया था। इसी वर्ष जारी फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश के 50 सर्वश्रेष्ठ आईपीएस में यूपी से 6 आईपीएस का नाम चुना गया था। इसमें आईपीएस अजय साहनी भी शामिल है। अजय साहनी की पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी है। आईपीएस अजय साहनी ने कई खतरनाक एनकाउंटर को अंजाम दिया है और मुठभेड़ में कुख्यात अपराधियों को पकड़ चुके हैं। अजय साहनी ने 18 जून को एसपी का कार्यभार जिले में संभाला, जिसके बाद अभी तक 1 दर्जन से अधिक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश ढेर किए गए व अन्य बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके पूर्व अजय साहनी को मुख्यमंत्री द्वारा शौर्य पुरस्कार व पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा गोल्ड, सिल्वर व प्लेटिनम मेडल दिया जा चुका है।